बरेली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा प्रतिशोध की भावना से छापे के विरोध में महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया, भाजपा सरकार के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निराधार एवं मनगढ़ंत नेशनल हेराल्ड मामले में तलब किया जा रहा है। भाजपा सरकार द्वारा बिना किसी सबूत और तथ्यों के व्यक्तिगत बदला लेने और राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा तथा पार्टी मुख्यालय को छावनी में बदल दिया गया है। पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बेरहमी से मारपीट कर रही है और बिना कोई कारण बताए उन्हें अलग अलग दूर दराज के पुलिस थानों में बंद कर रही है। सबको चौंकाने वाली बात यह है कि 15 जून 2022 को पुलिस ने जबरन ईआईसीसी मुख्यालय में प्रवेश किया और परिसर के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को बेरहमी से पीटा तथा वहां उपस्थित मीडिया के साथ बदसलूकी तथा मारपीट का प्रयास किया गया। सच्चाई की इस लड़ाई को दबाने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों और एकजुटता को कुचलने के लिए केंद्र सरकार क्रूरता के साथ पुलिस बल का प्रयोग कर रही है। न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लड़ेगा तथा पुलिसिया कार्यवाही एआईसीसी मुख्यालय में मारपीट का हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ता पुरजोर विरोध करते हैं। प्रदर्शन के दौरान योगेश जौहरी, असलम चौधरी, उमेश आर्य, मुजाहिद हसन, मोहम्मद नदीम, अब्दुल रहमान, हाजी सुल्तान खां, रईस आलम, राजेंद्र सागर, वीरेंद्र सुरेंद्र सोनकर, फरियाद खान आदि मौजूद रहे। देखिए, ये एक तरीके की प्रताड़ना है, ये भाजपा का एक हथियार है, उसके तौर पे इसको इस्तेमाल करके ये चाहते हैं कि सारी पार्टियां, जिसमें राहुल गांधी जी भी जो है वो खामोश होकर बैठ जाएं, लेकिन राहुल गांधी जी बहुत हिम्मत वाले हैं, साफ छवि के हैं, वो कभी खामोश होकर नहीं बैठेंगे, आखिरी दम तक जो है वो इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जनता के हकों की लड़ाई लड़ेंगे वो। शुक्रिया। आज महानगर कांग्रेस बरेली की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे राहुल जी को जिस तरीके से ईडी परेशान कर रही है, ये पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान में कि लगातार उनपे जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। कांग्रेस का एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता सड़क पे आ चुका है और ये भाजपा की जो नीति है, ये महंगाई से हटाना चाह रहे हैं, ये उद्योग धंधे बंद से हटाना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रताड़ित किया जाए। मगर ये आज मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी कर रही है, ये उनकी आखिरी ताबूत में कील होगी और सत्ता से हटने के लिए तैयार रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनाएगी और हम लोग हर तरीके से प्रयत्न करने के लिए तैयार हैं। पूरी भाजपा में, भाजपा सरकार में राहुल गांधी का खौफ चल रहा है और ये मालूम है भाजपा को कि जब भी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये नेक्स्ट प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। इसलिए विपक्ष की आवाज़ को, आमजन की आवाज़ को, आमजन की भावनाओं को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए कर रही है। जिस तरह ईडी के छापे लगातार पड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, लगातार 3 दिन पूछताछ के बाद भी कोई उनके पास सवाल नहीं है, कोई उनके पास इस तरह की जगह नहीं है जहां पर ऊपर राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकें। कि इस देश में सबसे ईमानदार, होनहार, योग्य व्यक्ति अगर कोई नेता है तो राहुल गांधी हैं। यही खौफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों में पैदा हो गया है, इसीलिए उन्हें कुचलना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।